हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बहुत ही टेस्टी कुछ अलग तरीके से मटर पनीर बनाने जा रहे हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और इसका जो टेस्ट है वो सेम रेस्टोरेंट के मटर पनीर जैसा ही होता है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम पहले इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया 250 ग्राम पनीर, 1 कप हरे मटर, 2 चम्मच घी के ग्रेट किया हुआ जिंजर और गार्लिक, 2 चॉप किए हुए प्याज आप ग्राइंड कर सकते हैं, 2 टमाटो की हमने प्यूरी बनाकर ली है, 1 चम्मच क्यूमिन सीड, 1 बे लीफ, ब्लैक कार्डमम, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1/4 मैंगो पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी चॉप किया हुआ कोरिएंडर और 2 चम्मच दही के। और पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को मीडियम से हाई हीट पर रखा हुआ है, तो उसमें हम 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे कढ़ाई में और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। घी के गर्म होते ही हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि हमने थोड़ा सा क्यूमिन सीड लिए, 1 बे लीफ और 1 काली इलायची, तो इनको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। और इसके बाद जहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक ग्रेट किया हुआ लिया है, इसमें ज़्यादा टेस्ट जिंजर गार्लिक का अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। इनको हम 30 सेकेंड्स के लिए रोस्ट करेंगे। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं तो आप उसको प्याज के साथ भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया है, तो इसको बिल्कुल पेस्ट जैसा बना लिया है, तो इसको हम डाल देंगे। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे भून लेंगे मीडियम से हाई हीट पर। 3 से 4 मिनट लगे मुझे प्याज को भूनते हुए। आप देखें प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला दें। इसके साथ ही हम इसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ। तो आधा चम्मच के करीब हल्दी, आधा चम्मच ही यहाँ पे मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में नमक डालेंगे 1 चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इनको मिला दें। तो अब हम इस तड़के को कवर कर कर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इसको कवर कर देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, तड़का बनकर तैयार है। अब देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम हीट को मीडियम पे कर देंगे और इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला और 1/4 टीस्पून मैंगो पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है, और 1 चम्मच के करीब कोरिएंडर पाउडर। इनको मिला दें अच्छी तरह से मसालों को। और इनके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब दही लिया है, ये ठीक है, तो इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। ये ऑप्शन है, दही नहीं डालना चाहते तो उसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मटर पनीर का। तो इसको अच्छी तरह से मिला दें। और इसके साथ ही हम इसमें हरे मटर डालेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न हरे मटर लिए 1 कप के करीब, वो मैं डाल रही हूँ। तो इनको पकाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, 10 मिनट में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो आप उसमें प्रेशर कुकर में भी विसल भी लगवा सकते हैं, 1 विसल में बहुत अच्छे मटर पनीर हो जाता है। तो इनको अच्छी तरह से मिला दें। और अब हम इनको ऐसे ही ग्रेवी में 5 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे मीडियम से हाई हीट पर। 5 मिनट हो गए, आप देखें। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ग्रेवी बना सकते हैं कम ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा पतला अच्छा लगता है तो ज़्यादा पानी डाल दें। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब पानी यूज़ किया है। इनको मिला दें अच्छी तरह से। 5 मिनट और इसको कुक करेंगे कवर कर कर। 5 मिनट हो गए, ये हमारी मटर पनीर की ग्रेवी बनकर अच्छी तरह से तैयार है। तो आप चाहे तो खड़े मसाले ऐसे भी इसमें रहने दें, मैं यहाँ पर इनको निकाल रही हूँ। तो अब यहाँ पे 250 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया है, वो डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिला दें। और पनीर डालने के बाद हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए और कुक करेंगे। आप चाहे तो खुला रख कर भी कर सकते हैं, कवर करके भी कर सकते हैं। तो आप देखें 4 मिनट हो गए हैं, हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आया। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, 1 चम्मच के करीब हाथ में रब कर वो इसमें डाल देंगे, और साथ में फ्रेश हरा कटा हुआ हरा धनिया वो भी डाल देंगे। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। मिला दें इसको और हीट को बंद कर देंगे। अब हमारा मटर पनीर बनकर तैयार है। मटर पनीर को आप प्लेन रोटी पूरी नान के साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पर जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मटर पनीर की सब्जी पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।